हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं फैनकोड ECS T10 मल्टा सीरीज की जो अगला मैच खेला जाएगा आज BBL वर्सेस MTD के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए नजर आएंगे, दोस्तों दोनों ही टीम अभी तक 8-8 मैचेस खेल चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन से प्लेयर ने करा है अभी तक, कौन से प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आया दोस्तों, और कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर स्टार्टिंग ओवर गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, कौन से बॉलर डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ दोस्तों मैं आपको बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी ऑप्शन शेयर करने वाला हूं। तो एक बार दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरे इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें, साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक एरो का बटन मिलेगा, अगर आपने यूट्यूब अपडेट कर दिया है तो फिर आपको इसी प्रकार मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। दोस्तों इस ग्रुप में ना ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस अगर चेंज होता है लाइनअप के बाद तो आपको फाइनल टीम इसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों पहला कमेंट पे लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो मैच है दोपहर 1 बजे ये मैच आपको देखने को मिलेगा मर्सा स्पोर्ट्स क्लब मल्टा में ये मैचेस होंगे। दोस्तों यहाँ का पिच कंडीशन की बात करते हैं तो दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ज़्यादा एडवांटेज बल्लेबाजों को ही देखने को मिला है, तो इसी माइंडसेट से हम लोग टीम क्रिएट करेंगे। BBL के जो टीम है दोस्तों 8 मैचेस खेला है जिसमें 4 मैचेस जीता है और 4 मैच लॉस किया है, लेकिन MTD का जो टीम है दोस्तों अभी तक देखोगे तो इन्होंने भी 8 मैचेस के अंदर 4 मैचेस जीता है और 4 मैच लॉस करते हुए आए हैं, मतलब दोनों ही टीम अगर आप देखेंगे तो बराबर स्थिति में। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करते हैं। गौरव मेधानी जो टीम के कैप्टन है दोस्तों ओपन करता है, पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 0 रन बनाए थे, फिर फर्स्ट राउंड पे भेजा 53 रन, फिर यहाँ पे 14 रन, फिर यहाँ पे 54 रन, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो 8 मैच के अंदर 139 रन स्कोर करा है। गौतम सिंह ओपन करने के लिए इनके साथ आते हैं, 5 मैचेस में अभी तक इन्होंने खेला हुआ है जहां पे 56 रन इन्होंने स्कोर कराया। दोस्तों ध्यान रखना ये टीम के ओपनर बैट्समैन है, ध्यान देना एक चीज़ कि ये 5 मैचेस ही खेला है दोस्तों, अगर खेलते हैं लाइनअप में अगर ये खिलाड़ी रहता है तो ये आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। पवन कल्याण ये फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 5 रन, फिर ओपन करते हुए 9 रन, फिर यहाँ पे 3 रन, फिर यहाँ पे 10 रन, फिर 31 रन, फिर यहाँ पे लास्ट के दोनों मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। 7 मैच के अंदर देखेंगे तो टोटल 55 रन उन्होंने स्कोर करा है। अजय कुमार का रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। नरेंद्र नेगी टीम के सेकेंड राउंड पर खेलेंगे, प्लस आपको 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। 8 मैच के अंदर देखेंगे तो अभी तक 118 रन बना के 3 विकेट निकाल चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इनको अपने टीम के अंदर ले सकते हैं। विजय सिंह ओपन करते हुए दोस्तों 0 रन, यहाँ पे 6 रन स्कोर करा है, 1 ही मैचेस खेला है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनके खेलने के कम चांस है। बाकी ब्रजवाल 7 मैच के अंदर 16 रन प्लस 4 विकेट इनके नाम है दोस्तों, ये टीम के थर्ड डाउन पे खेलेंगे और आपको दोस्तों 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे। रवि पॉल राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, 4 मैच के अंदर 38 रन स्कोर करा है। विकास बिस्ट जो कि पहले मैच के अंदर फ्लॉप रहा था, 2 मैच के अंदर 2 विकेट। अतिंदर सिंह पहले मैच के अंदर ये फ्लॉप देख सकते हैं, अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों थर्ड मैच के अंदर इन्होंने 3 रन बना के 2 विकेट निकाला था, बाकी के सारे मैच के अंदर ध्यान से देखें यहाँ पे फ्लॉप रहा है सारे टूर्नामेंट के अंदर। वहीं शिव सिंह का रिकॉर्ड देखेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, देख सकते हैं दोस्तों पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 8 मैच के अंदर 8 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है, तो दोस्तों ये भी आपको 2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी सोहन सिंह 5 मैच के अंदर 2 विकेट निकाला हुआ है। सुरेश डोभाल 5 मैच के अंदर 3 विकेट निकाला है दोस्तों। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देवेंद्र नेगी के बारे में तो 7 मैच के अंदर अभी तक 10 विकेट निकाल चुके हैं, हाइस्ट विकेट टेकर बॉलर रहा है दोस्तों BBL की टीम की तरफ से, तो यहाँ पे इनको अपने टीम के अंदर जरूर रखना, अच्छे विकेट्स निकाला हुआ है। प्रदीप को ड्रॉप करेंगे, बाकी दीपक सिंह का भी रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर पे आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे अतिंदर सिंह और यहाँ पे ब्रजवाल, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अब डेथ ओवर पे दोस्तों यहाँ पे देवेंद्र नेगी और यहाँ पे सुरेश डोभाल, ये आपको दोस्तों डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ध्यान रखना है। बाकी बेंचेस प्लेयर की बात करते हैं तो अजय कुमार, कुशाल सिंह, प्रदीप
विजय सिंह, विनय नेगी, नरेंद्र रावत, यहाँ पे सोहन सिंह और विकास बिस्ट, ये आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आने वाले हैं दोस्तों बीबीएल की टीम की तरफ से। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है दोस्तों प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर ले सकते हैं। लेकिन वही एमटीडी का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों, तो एमटीडी के टीम की तरफ से आपको अजीम साथी ओपन करते हुए देखेंगे। पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया खेला है इन्होंने, लास्ट मैच के अंदर 70 रन का पारी खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अकेला दोस्तों देख सकते हैं बहुत बढ़िया खेला है, 8 मैच के अंदर टोटल 187 रन बना के दोस्तों 2 विकेट निकाला हुआ है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अजीम साथी बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। बाकी यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे कर्नलियस यंगर्स के बारे में, 7 मैच के अंदर 52 रन स्कोर कराया है इनका। देखो पहले मैच के अंदर 8 रन, फिर यहाँ पे 8 रन, फिर 0, फिर 7, फिर 11, मतलब इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। सृजय पटेल 8 मैच के अंदर 143 रन स्कोर करा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लास्ट के देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सारे मैचेस में ओपन ही करा है, लास्ट 4 मैचेस के अंदर ओपन करा है, तो अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर 41 रन बनाया है, इनको अपनी टीम के अंदर आपको ट्राई करना है। मिसल नाजिर 8 मैच के अंदर 54 रन प्लस 7 विकेट निकाला हुआ है, ये टीम के कन्फर्म दो ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, प्लस 2 से 3 नंबर पर बैटिंग करते आपको दिख जाएंगे। मोहम्मद जुबैर 3 मैच के अंदर 17 रन प्लस 3 विकेट निकाला हुआ है, सेम इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, 4-5 नंबर पे खेल रहे हैं, 5 मैच के अंदर मात्र 40 रन स्कोर करा है। मोतो कमरन 7 मैच के अंदर यहाँ पे 17 रन बना के दोस्तों 5 विकेट निकाला हुआ है, अरशाद को ड्रॉप करेंगे। फैजाल नीम दोस्तों 5 मैच के अंदर 10 रन बना के 6 विकेट निकाले अभी तक। बाकी पिंटू घोष का रिकॉर्ड देखेंगे, पहले दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले हैं। रेंसिस जो के 3 मैच के अंदर इन्होंने 8 रन बना के 2 विकेट निकाला है। सागर अरीफ की बात करेंगे, 7 मैच के अंदर टोटल 7 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है। एडवर्ड थॉमस 6 मैच के अंदर 63 रन बना के 3 विकेट निकाले दोस्तों। बाकी अतीफ को ड्रॉप करेंगे। सलमान का रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं, आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करने के लिए फैजाल नीम आते हैं, सागर अरीफ स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हैं दोनों के दोनों बॉलर। बाकी डेथ ओवर पे बॉलिंग करने के लिए आपको पिंटू घोष और फैजाल नीम दिखेंगे दोस्तों डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए। अब देखो बेंचेस प्लेयर में यहाँ पे अरशाद मोहम्मद, अतीफ, मोहम्मद जुबैर और लास्ट यहाँ पे पिंटू घोष, ये आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आएंगे दोस्तों यहाँ पे एमटीडी के टीम के तरफ से। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों बीबीएल और एमटीडी के, इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोस्तों, प्लेयर्स का यहाँ रिकॉर्ड्स को देखते हुए आप अपना टीम चाहे तो यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, टीम एक बार आप देख लो, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से। आपको पता है कि गौरव मेहतानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आने वाला है दोस्तों। और यहाँ अभी तक देखोगे 8 मैच के अंदर 139 रन स्कोर कर चुका है। देखो कभी ओपन करते हैं, कभी फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, लेकिन टीम के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अभी तक अच्छा खेला है, तो इनको अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर ट्राई करना है, ठीक है। बाकी सृजय पटेल ये भी ओपन करने के लिए आते हैं, 8 मैच के अंदर अभी तक 143 रन बना चुके हैं। तो ये दो प्लेयर दोस्तों विकेट कीपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है। बाकी इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, लेट बैटिंग करेंगे, मैं इनको ड्रॉप करूंगा। बैटिंग में दोस्तों मैंने 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से ए साथी को ट्राई किया हुआ, अजीम साथी 8 मैच के अंदर देखेंगे तो 187 रन बना के 2 विकेट निकाल चुके हैं। बाकी एम जुबैर का रिकॉर्ड आपने देखा है दोस्तों, मोहम्मद जुबैर 3 मैच के अंदर 17 रन बना के 3 विकेट निकाला है। बाकी आर पॉल को मैं ट्राई करूंगा, आर पॉल का भी रिकॉर्ड आपने देखा है, बहुत ही बेहतर प्लेयर दोस्तों, 4 मैच के अंदर 38 रन स्कोर करा है। हालांकि उतना बेहतर रहा नहीं ये पूरा सीरीज इनका, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो एक भी मैचेस में बढ़िया पारी खेला है, लास्ट मैच के अंदर ओपन करने के लिए आए थे, 9 रन बनाए थे। ये 3 खिलाड़ी को मैं ट्राई करूंगा अपने टीम के तरफ से, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे कार्नलियस इंगर्स को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, लेकिन उतना अच्छा अभी तक फॉर्म चला नहीं इनका, देख सकते हैं मात्र 7 मैच के अंदर 52 रन इन्होंने स्कोर करा है। बाकी आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टीम के टॉप ऑर्डर पर खेलेंगे। जी सिंह का रिकॉर्ड आपने देखा है दोस्तों, यहाँ पे इनका भी स्टैट्स मुझे काफ़ी बेटर लगा, अगर आप चाहें तो ये आपको ऑप्शन में रहेंगे जो ओपन करने के लिए आते हैं। 8 यहाँ पे अभी तक 5 मैच के अंदर देखेंगे दोस्तों तो 56 रन स्कोर करा है, अभी तक 5 मैचेस खेला लेकिन 5 के 5 मैचेस में ओपन करा है। तो अगर इनको ड्रॉप करते हैं तो जी सिंह आपके पास एक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, सिलेक्शन कम है लेकिन ध्यान रखना बढ़िया खेल सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे 3 ऑलराउंडर को मैंने लिया हुआ, एम नज़ीर, एन नेगी, रेस्टिंग, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे दोस्तों। बाकी एमटीडी के टीम की तरफ से देखेंगे दोस्तों तो ई थॉमस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन दोस्तों इनको लेने के लिए फिर आपको विकेट कीपर में
में एक विकेट कीपर को आपको ड्रॉप करना होगा। इन्होंने अभी तक 6 मैच के अंदर देखोगे 63 प्लस 3 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसी एक को अगर आप ड्रॉप करते हैं तभी आप इनको ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। बाकी बॉलिंग में मैंने यहाँ पे 3 बॉलर को ले रखा है, डी नेगी आपको पता है डेथ ओवर गेंदबाज है, एफ नेम भी डेथ ओवर गेंदबाज है, पी घोष को मैंने ट्राई किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया विकेट्स अभी तक निकाले हैं। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन है एम कुमरन, अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम आप देख सकते हैं, कैप्टनसी के लिए शाथी को मैं ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए एम नाजिर के साथ जाएंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा पॉइंट्स अभी तक दिया हुआ है। तो देखो ये मेरे साइड से टीम है दोस्तों, अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, या फिर आप लाइनअप का वेट करो, एक दो प्लेयर अगर मेरे साइड से चेंज होता है तो फाइनल टीम में आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया है, क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।